वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने बच्चे दारकम स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरी माशाल्लाह दो बेटियां हैं, एक ये अदीरा है और एक आयत है। माशाल्लाह। सर जी आप हमें बताएं कि आपने दारकम का ही क्यों इंतखाब किया? आज से ना 4-5 साल पहले हमारे बच्चों का इशू था, मतलब कि हमें कोई ऐसा स्कूल नहीं मिल रहा था कि जिसमें मतलब कि बच्चे का बेस जो है वो अच्छा बने। तो इससे पहले मेरे भाई की बेटियाँ थी, वो हमने 4-5 स्कूल हमने छुड़वाए, हम सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी जब से ये अदीरा दारकम में मतलब आ रही है तो हम सेटिस्फाइड हैं, मतलब इनका माहौल भी अच्छा है, इनकी स्टडी भी अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी अच्छी हैं, हम सेटिस्फाइड हैं दारकम से। माशाल्लाह। सर आप दारकम की एक्टिविटीज़ और एकेडमिक के लिहाज से क्या आप दारकम से मुतमईन हैं? काफ़ी हद तक। शुक्रिया। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, अगर हम अपनी कोई एक्टिविटीज़ को मज़ीद अच्छा करने के लिए आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो? नहीं, फ़िलहाल तो दारकम माशाल्लाह जितने भी इधर स्कूल काम कर रहे हैं बच्चों पे, जितने भी और स्कूल्स हैं उनमें तकरीबन दारकम आगे जा रहा है। तो हमारी सजेशन तो यही है कि जितना आप इसको और लेके जा सके बच्चों के वाले से, तो जैसे अभी हम मोंटेसरी स्टार्ट की है तो अभी ये 3 साल की है, मगर इसमें भी अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा है, मतलब कि वो जो 3 मंथ इन्होंने लगवाए हैं, हमने ये चीज़ किसी और स्कूल में नहीं देखी जो हमने दारकम में देखी है, तो ये अच्छा स्टेप है इनका। थैंक यू सर।